हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मौसम यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं राजस्थान को लेके मौसम विभाग की एक बहुत ही बड़ी चेतावनी जो है हमारे सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, राजस्थान के अंतर्गत आगामी 3 दिनों में बहुत ही भारी मात्रा में बारिश को लेके मौसम विभाग द्वारा हाई अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं, हम बात करें तो 14, 15 और 16 अगस्त को बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे राजस्थान में बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत किन किन जिलों में मौसम विभाग ने भारी मात्रा में चक्रवात तूफान और बारिश को लेके यहाँ पे चेतावनी जो है जारी की है। दोस्तों राजस्थान के काफ़ी जिलों के अंतर्गत बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो दोस्तों अब बाकी के जो ज़िले हैं उनके अंतर्गत भी मौसम जो है अपना कहर दिखाने वाला है, यानी कि भारी मात्रा में बारिश की संभावना यहाँ पे मौसम विभाग द्वारा राजस्थान में लगभग अधिकांश राजस्थान में बताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेके यहाँ पे जो चेतावनी है वो जारी की गई है। तो दोस्तों इसी तरीके की मौसम विभाग से संबंधित पल पल की अपडेट अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल के आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के बीच शेयर करें और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए मौसम विभाग को लेकर क्या बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, इन इलाकों में फिर भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में 16 अगस्त तक भारी बारिश की अलर्ट जो है जारी कर दिया है। वेदर रिपोर्ट के अंतर्गत भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली के साथ साथ कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, अजमेर, टोंक जिलों के नाम जो है शामिल है, यानी कि इनके अंतर्गत भारी मात्रा में बारिश जो है आने वाली है, ऐसा यहाँ पर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान बताया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के करौली और सवाई माधोपुर जिले के कई स्थानों पर सोमवार को जोरदार बारिश जो है दर्ज की गई। गंगापुर सिटी में करीब 2 घंटे जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने इन दोनों जिलों में आने वाले 48 घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं 14 से 16 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी जो है दर्ज की गई है। उसके बाद हम 14 अगस्त की बात करें तो 14 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जो है जारी किया गया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस चेतावनी के तहत 14 अगस्त को भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली जिलों में भारी बारिश की आशंका जो है यहाँ पे बताई जा रही है। उसके बाद 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त को आप यहाँ पर देख सकते हैं रक्षाबंधन के पर्व पर मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त को कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, अजमेर, टोंक में जोरदार बारिश की संभावना है। इसी के साथ सोमवार और मंगलवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में कई जिलों में अच्छी बारिश का यहाँ पे पूर्वानुमान बताया गया है। उसके बाद 16 अगस्त को सेकावाटी क्षेत्र में बारिश की संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी जयपुर के साथ साथ सीकर, अलवर और झुंझुनू में 16 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लगभग अधिकांश जिलों के अंतर्गत यहाँ पे बताया जा रहा है कि 14 अगस्त से लेके और 16 या 17 अगस्त तक भारी मात्रा में यहाँ पे अधिकांश जिलों में मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश को लेके यहाँ पे जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान के विभिन्न जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम विभाग का हाल कि कब किस जिले में कितनी बारिश होने वाली है। तो दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ के मौसम विभाग की जानकारी जान सकें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नए लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।